गाइस, लाइफ में सक्सेसफुल होना ना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक तुम लोग सक्सेसफुल नहीं बनोगे या कोई सक्सेसफुल नहीं बनता है, हर कोई बातें करता है, हर कोई कुछ ना कुछ बातें करता है, बट वो बातें कौन करता है पता है? जिन लोगों को इस रियल लाइफ के बारे में उतना समझ ही नहीं है, जो लोग कभी भी इस सिचुएशन से गुजरे ही नहीं है, वो लोग बातें करते हैं। जैसे कुछ दिन पहले तक विराट कोहली का फॉर्म बहुत बहुत ही खराब था, हर कोई नेटजन मोबाइल में, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, हर किसी में, ट्वीट में, विराट कोहली खेला, खेल छोड़ दो, शादी कर लिया उसने, खेल खत्म कर दिया, ये वो एक्स वाई जेड, बहुत कुछ बोलता रहता था। जिस दिन उसने वर्ल्ड कप का पारी खेला पाकिस्तान के बीच में, ही हैज बिकम गॉड। गॉड तो नहीं, अभी लाइक गोट हो गया है, जीनियस ऑफ ऑल टाइम। वही वहां से टेस्ट खेला, सेंचुरी मारा, वनडे में मारा, देन IPL खेला, अभी उसमें भी स्कोर किया, अभी तो लाइक भगवान है। बट वही लोग थे, वही लोग थे कि दो दिन पहले तक उसको गाली दे रहे थे। सेम भाई, हम लोगों की लाइफ में भी वही होता है, वही होता है। रिजल्ट थोड़ा कुछ खराब कर लिए, बाकी सब कोई रेडी हो गए भाई, बाकी सब रेडी हो गए, अरे ये बंदा तो कुछ नहीं कर पाएगा, ये तो फालतू का है, ये है वो। वही जब रिजल्ट बनाता है दो दिन बाद, तब सब कोई बोलता है तो बंदे में दम था, उसने बहुत प्लान किया, बहुत ये किया, वो किया। देन लोगों का बोलना है, अल्टीमेट थिंग इज दैट योर बिलीव। कौन क्या बोल रहा है भाई, भगवान ने दो कान दिए, यूज कर लो, एक सुनो दूसरे निकाल दो। मेन थिंग इज योर बिलीव। अगर तुम अपने में बिलीव करते हो, तुम्हारा बिलीव है अपने के ऊपर, तो डेफिनेटली ड्रॉप करो, डेफिनेटली प्लान करो, डेफिनेटली सक्सेसफुल बनोगे। IIT एम्स कभी तुम्हारा सक्सेस डिफाइन नहीं कर पाएगा भाई, ये कभी नहीं कर पाएगा, अनलेस अंटिल तुम उसके लिए रेडी हो गए। तुम अगर रेडी हो IIT के लिए, तुम अगर रेडी हो नीट के लिए, तुम अगर रेडी हो एम्स के लिए, तब वो बनेगा, बनना ही पड़ेगा तब। इसलिए कोई तुम्हारा लाइफ डिसाइड नहीं कर पाएगा, कोई तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड कर नहीं पाएगा, जब तक तुम अपने पे विश्वास ना करो। इसलिए सेल्फ बिलीव अपने ऊपर है। दुनिया विराट कोहली के पीछे था, अगेंस्ट में था ऑल दिस वर्ड्स, बट ही प्रूव देम रॉन्ग। तो दैट इज डिटर्मिनेशन डियर। धोनी जब पहले खेल नहीं पाता था, सब कोई बोला क्या लेके आया बाल लंबे वाले, ये वो, एक दिन मैच खेला उसके बाद जितवाया, बस वो अभी भगवान बन गया। लोगों का काम है भाई, लोग बोलते रहेंगे, क्रिटिक्स होना चाहिए, इससे मोटिवेशन मिलना चाहिए, इसको नेगेटिव मत लेना, क्योंकि असफलता बोल के लाइफ में कुछ होता ही नहीं है। मेरे हिसाब से असफलता एक टर्म है, आज असफल हो कल फिर से सफल हो जाओगे, तो असफलता मतलब तो असफल मतलब खत्म ही होना था लाइफ, नहीं ना, हम लोग फिर से उठते हैं, उठना होगा, उठेंगे और जरूर करेंगे। वही सेल्फ बिलीव अपने ऊपर रखो, विश्वास, सब का मालिक एक है, विश्वास के ऊपर है बस। थैंक यू डियर।